हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर सुधीर शाह क्योर प्लस होम्योपैथी क्लिनिक बैंगलोर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स और पाइल्स को हम हीमोरॉइड भी कहते हैं। सबसे पहले पाइल्स क्या है? पाइल्स इज द कलेक्शन ऑफ द टिश्यू और द वेन्स जो कि एनस के आसपास या उसके अंदर होती हैं। तो उन वेन्स में, उन नसों में सूजन आ जाती है या उनमें इंफ्लामेशन हो जाता है जिसके कारण पेन स्टार्ट होता है। तो पाइल्स यहाँ पे दो तरह के होते हैं, इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स। उसको हम ग्रेड में भी डिवाइड करते हैं, जैसे ए फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री पाइल्स होते हैं। नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड डिग्री पाइल्स में क्या होता है, इंटरनल पाइल्स होते हैं। इसमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, लाइक माइल्ड पेन, बर्निंग होता है पेशेंट को, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, इरीटेशन होता है। दीज आर माइल्ड सिम्टम्स जो कि फर्स्ट और सेकेंड डिग्री में आते हैं। इसमें पेशेंट पाइल्स को फील नहीं कर सकता, उसे देख नहीं सकता है, इट इज इंटरनल ओनली। एक्सटर्नल पाइल्स या थर्ड या फोर्थ डिग्री पाइल्स में क्या होता है, थर्ड डिग्री पाइल्स में पेशेंट ड्यूरिंग मोशन, जब वो पास करते हैं मोशन, तो उस टाइम पे पाइल्स बाहर आ जाता है एंड विद द वो उसे अंदर अंदर भी वापस कर सकते हैं। बट थर्ड फोर्थ डिग्री पाइल्स में पाइल्स हमेशा बाहर होते हैं, जिसके एनएस के बाहर रिंग पे आपको दिखते हैं। उसमें वन, टू या फिर मल्टीपल पाइल्स ग्रुप में भी नोड्यूल्स होते हैं। ये थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री पाइल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। पेशेंट हमेशा कंप्लेन करता है कि स्टिंगिंग पेन, प्रिकिंग पेन हो रहा है, अनेबल टू सिट, बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, अपना रेगुलर शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार उसमें ब्लीडिंग भी होती है, ड्यूरिंग मोशन। तो जब ब्लीडिंग होती है, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग पेशेंट कंप्लेन करता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण पेशेंट को अनीमिया भी हो सकता है। सो अर्ली ट्रीटमेंट इन दैट केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मली थर्ड और फोर्थ डिग्री पाइल्स में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि सर्जरी के लिए जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वी ट्रीटेड नंबर ऑफ केसेस विदाउट सर्जरी। बिना सर्जरी के भी होम्योपैथी मेडिसिन में क्योर पॉसिबल है, हमने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। अभी पेशेंट बोलते हैं क्यों हुआ, क्यों पाइल्स हुआ? सो इसके बहुत कॉमन कॉजेज हैं। लंबे समय तक अगर आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड हैं, बहुत समय से आपका कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू है, यू आर नॉट टेकिंग फाइबर रिच डाइट, अच्छे से फाइबर रिच फूड नहीं खा रहे हैं, पानी का इंटेक कम है, ज़्यादा ऑयली या फैटी फूड खा रहे हैं, या आपका बॉवल मूवमेंट ऑन टाइम नहीं है, रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट और सेकेंड डिग्री में हैं, पाइल्स में है, और अगर थर्ड और फोर्थ डिग्री पाइल है, तो उसमें आप उसको कैसे ठीक करेंगे? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आपको इनिशियल सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहला कि आपका इवेक्यूएशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपको मोशन हार्ड है, पेन हो रहा है, इमीडिएटली स्टार्ट फाइबर रिच फूड। फाइबर रिच फूड लेना शुरू कर दीजिए, पानी पीना, पानी का इंटेक ज़्यादा कर लीजिए, उससे आपको इनिशियल में रिलीफ मिलने लगेगा। मिनिमम हमारी बॉडी को 4 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हम 2-2.5 लीटर से ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, हम क्या करें? तो इन दैट केस आप अगर पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो आप अदर लिक्विड इंक्रीज कर दीजिए, लाइक आप कोकोनट, टेंडर कोकोनट वाटर, या फिर ऑरेंज जूस, लेमन जूस, बटर मिल्क छाछ जो होती है वो पीजिए। तो सब मिला के 4 लीटर पानी, लिक्विड, कोई भी लिक्विड आपके बॉडी के लिए सफिशेंट रहेगा। अगर हम डाइट की बात करते हैं, तो आपका जो खाना है रोज के खाने में, एक ग्रीन सब्जी, एक हरी सब्जी जरूर ऐड होनी चाहिए। कोई भी पत्तेदार सब्जी, पालक, मेथी, सरसों या फिर बीन्स, कुछ भी एक प्लेट में ग्रीन वेजिटेबल का पार्ट होना चाहिए। आपकी डाइट में फाइबर को इंक्रीज करिए। कैसे? सलाद में आप कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश जो होता है, मूली है, गाजर है, ककड़ी है, इन सब चीज़ों को इंक्रीज कर दीजिए। तो एक पोर्शन आपके प्लेट में सलाद का होना चाहिए, एक पोर्शन आपके प्लेट में सब्जियों का होना चाहिए जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, राइस और रोटी और दाल कम क्वांटिटी में होना चाहिए कंपेरेटिवली। फ्रूट्स की बात करें, तो डेली 1 बाउल ऑफ फ्रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड फाइबर एंड गुड हेल्थ ऑल्सो। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइबर रिच फ्रूट्स आपको लेना है, जैसे कि केला, तरबूज, खरबूज, पपीता, इस तरह के फ्रूट आपको ज़्यादा खाने चाहिए, 1 बाउल मिनिमम, क्योंकि इसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है एंड वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। सो इस तरह से, हाँ, मेरा सजेशन है कि ऑलवेज फ्रूट कट करके ही लेने चाहिए। अगर आप उसे जूस फॉर्म में लेंगे, तो उसका जो भी फाइबर है वो छन के बाहर चला जाता है, देन वो उतना यूजफुल आपके लिए नहीं रहेगा।
इसलिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वाटर इनटेक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके ओवरऑल हीलिंग के लिए। अगर आप वर्किंग है 10-12 आवर्स, अगर आप कंटिन्यूसली सीट पर बैठे हुए हैं, इट इज ऑल्सो नॉट गुड। अगर ऐसा है तो हर 2-3, 1 घंटे में, 2 घंटे में आप उठिए, 5-10 मिनट का वॉक करिए, एक ब्रेक लीजिए, स्ट्रेच करिए अपनी बॉडी को, देन स्टार्ट योर वर्क कंटिन्यू। इट ऑल्सो हेल्प, ज्यादा देर तक बैठे रहना भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हमने कई तरह के केसेस फाइल के देखे हैं, 1st डिग्री से लेके 4th डिग्री तक, और होम्योपैथी मेडिसिन ने उसमें चमत्कार किया है, इवन क्योर किया है सभी तरह के पेशेंट्स को। हमारे पास बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन है, नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, लाइक एस्किडस, मैक्सोमिका, जेल्सीमियम, नाइट्रिक एसिड, रतानिया, अर्निका, सो मेनी मेडिसिन आर देयर। अकॉर्डिंग टू सिम्टम, पेशेंट कैसा है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप कभी होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाहते हैं, हमेशा अपने फिजिशियन की एडवाइस के साथ ही होम्योपैथी मेडिसिन लें। आई थिंक हम सब तो पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए, हम आंसर करेंगे। ओके, गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।